दिन टॉक शो में नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मण जी। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं मैम टैरो रीडिंग, हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शकों के लिए आगामी जो वीक है जो 24 से लेकर 30 तक के हैं उनके प्रेडिक्शन आप करें ताकि उनका आने वाला महीना कैसे जाने वाला है। हालांकि पेंडेमिक का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कोविड बहुत ज्यादा फिर भी फैल रहा है, उसकी वजह से परेशानियां भी बहुत लोगों को हो रही है। तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा आप अगर उनकी हेल्प करें तो वुड बी ग्रेट। बिल्कुल हम लोग करेंगे। और हम जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग 24 तारीख से स्टार्ट करते हैं। YouTube की स्क्रीन में नहीं दिख रहा है मेरा लक्ष्मण। ओके, YouTube की स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करेंगे तो आई एम श्योर कि वो आ जाएगा। ठीक है, Facebook पे दिख रहा है राइट? जी। ओके। ऑलराइट। हां। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 24 तारीख से। ठीक। सबसे पहले मैं ये सबको कहना चाहूंगी कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, किसी और चीज पे फोकस ना रखें, बाहर कदम ना रखें, जो घर में है उससे चला लें। और ये सिचुएशन हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर आप आर्मी वाइफ्स को पूछें जो ऐसे कंटेनमेंट में उनकी ट्रांसफ़र होती हैं कश्मीर जैसे या ऐसे एरियाज बॉर्डर एरियाज पे, तो उनको कई कई वॉर जोन्स हो जाते हैं डिक्लेयर, और 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने। और कश्मीर वालों को तो पूछें तो हमेशा की लाइफ उनकी लॉकडाउन लाइफ रही है। तो प्लीज़ बेयर विद दिस लॉकडाउन। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, इम्यूनिटी हाई रखिए, पीएच हाई रखिए, वाइब्रेशन अपनी हाई रखिए, और अच्छा गर्म खाना खा लीजिए, 2-3 बार काढ़े पी लीजिए, हल्दी का सेवन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इम्यूनिटी भी बूस्टेड रहेगी एंड यू विल बी हेल्दी। तो हम लोग बर्थडे से शुरू करेंगे। आज जिनका भी बर्थडे है हम लोग कर रहे हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया आगे होने वाली है। 2 से 3 महीने का थोड़ा सा दिक्कत है, बर्डन लोगे आप लोग, लेकिन अदरवाइज वेरी कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ यू कैन लिव, प्रोडक्टिव लाइफ। व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्टिव इज व्हाट एवर यू इन्वेस्ट यू विल गेट बैक इन अबंडेंस। तो टेक केयर ऑफ व्हाट यू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट गुड थॉट्स, इन्वेस्ट गुड वर्क, इन्वेस्ट मनी इन चैरिटी, इन्वेस्ट इन पॉजिटिव लिविंग, इन्वेस्ट इन गुड हेल्थ। अभी जिसका बर्थडे 25th को है ऑफ अप्रैल, लेट्स सी हाउ देयर लाइफ इज गोइंग टू बी। देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ फाइनेंशियली। आगे 3 to 4 years में बहुत ग्रोथ है। देयर मे बी अनफॉर्चुनेट डेथ इन द फैमिली, देयर मे बी अ बिट ऑफ अ ट्रैप, हेल्थ ट्रैप फॉर सम मंथ्स। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, एंड हेल्थ में 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, योर गुड हेल्दी डाइट, हॉट मील्स, हाई पी एच मील्स, हाई न्यूट्रिशन या हाई इम्यूनिटी मील्स, दैट इंक्लूड्स लॉट ऑफ कलर्ड फूड लाइक कैप्सिकम्स, 3 colored capsicums, दैट इंक्लूड्स जिंजर, हल्दी, हॉट मील्स ऑफ गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस एंड दाल्स, डेट्स, नट्स एक्सेट्रा, अलॉन्ग विथ 3 hot meals, you have to exercise, walk, sleep well, and that will take care of your health. Don't forget, exercise should be a part of your daily routine. And the way you are planning your finances, as I told you, it is good. There's no problem in that. Social life is going to be good. Take care of your legal documents. If for some time, 1 year, income expenditure is the same, don't worry about it. जितना खर्चा होगा उतना पैसा जरूर आ जाएगा। जिनका बर्थडे 26th अप्रैल को है उनके बारे में बता रही हूँ। Money will come in small portions. Career-wise, be calm, patient. Saturn is with you, so justice मिलेगा। Whatever you sow, you will definitely reap. There will be good news, and by November, December, things will be much, much better than now. So have patience, take care of your health. You've been emotionally low, and when we are emotionally low, we are stressed,
एंड आवर इम्यूनिटी ड्रॉप्स. सो डोंट डू दैट. हम लोग सब कर्म अधीन हैं. जो जिसको के साथ जो भी हो रहा है, इट इज़ देयर कार्मिक जर्नी. सो ऑल यू कैन डू इज डू योर ड्यूटीज वेल. आप अपना काम करते रहिए, जितना मदद कर सकते हैं उतना करिए, लोगों की, फैमिलीज की, बच्चों की, घर में अगर बूढ़े हैं उनकी. बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट डू एनी थिंग. सब ऊपर वाले के हाथ में है. वी कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल, वी कैन कंट्रोल अवर रिएक्शन टू देम. सो डोंट बी अपसेट अबाउट एनी थिंग और एनी बडी. थोड़ा डिटैच होके ड्यूटीज करिए. देर विल बी गुड न्यूज. एज आई सेड अर्लियर, यू आर वरीड अबाउट योर चिल्ड्रेन, ऑल द पीपल. So we all are worried about young children. Unko achhi aadatein daliye, sanskar daliye, teach them good values, tell them to keep themselves occupied instead of listening to any negative news. They can learn a language, they can learn music, they can learn any new skills that will help them in their future. So not to worry, be busy, be productive, be occupied, and do your exercises daily. People who were born on 27th, very good time, happy family for them. You all are skilled people generally, totaling to number 9. So money will definitely come following. You all are loving and generous people, very well balanced people. Do not over expect, but all your needs will be fulfilled. It's a happy life, so don't worry about that. Aapka health. बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए अपने घर में अगर हो तो. थोड़ा काम डिले हो सकता है, बट डेफिनेटली काम हो जाएंगे पूरे. थोड़े भले देर से हो, लेकिन हो जाएंगे. जिनका बर्थडे 28th को है, दे विल हैव टू फेस अ बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर सम टाइम, बट यू कैन हैंडल इट फॉर नेक्स्ट 2 months. मनी विल फॉलो, मनी विल कम. आप वरिड हैं पैसे के लिए, लेकिन कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे आ जाएंगे. स्टार्ट प्लानिंग योर लाइफ. नेक्स्ट 2 years जो आप लोग प्लान करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से जाएंगे आपकी फुल लाइफ की. आप इन 2 सालों में, नेक्स्ट 2 years में प्लान कर सकते हैं. गुड रिलेशनशिप, बैलेंस रिलेशनशिप होंगे. यू कैन वर्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स इन द नेक्स्ट 6 months. बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर यू विल बी मच मोर फाइनेंशियली स्टेबल, तो यू कैन वर्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट. टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टेड मनी ऑलरेडी with documents, keep them safe, think about it. And your health is okay. You want to travel badly, lekin abhi nahi kar sakte hum log. We know the situation outside is sometimes understated. It's very bad right now. Most of the countries are going into lockdown. To koi travel na kare to better hai. Stay inside, stay home, and do activities, whatever you can, work from home, and communicate from home. 29th वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं. दे प्लान एवरीथिंग प्रॉपरली. सब कुछ अच्छा चल रहा है. दे हैव टू टेक केयर ऑफ सम जेलस पीपल अराउंड देम. इट्स सैड बट ट्रू दैट देर इज जेलसी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज अ नेगेटिव इमोशन. ईर्ष्या एक बहुत नेगेटिव इमोशन है और लोगों को हो जाती है. We have to feel sorry for them and protect yourself by prayers, pranayam, chanting, yoga and meditation. It has helped me personally and it will help all of you. 30th April, people, very powerful people, because they are ruled by Jupiter. First number, 3 is Jupiter number, and very well balanced people. And like I always say, Jupiter's support enhances your life because it doesn't allow your doshas to work too much on you. You will celebrate something in 2-3 days. There may be negotiation or disagreements, so calmly resolve them. Money will come slowly. People will help you. You can take chances and trust God. Have faith. Faith can move mountains, it is said. So jab aapko shraddha hogi, aapke kaam ho jayenge. Aap apni duties kariye aur bhagwan pe shraddha rakhiye. और आपका हेल्थ अच्छा है. यू आर वेटिंग फॉर सम न्यूज ऑफ वन ओल्ड प्रॉपर्टी, गांव का घर या वॉट एवर इट इज. सो फ्यू पीपल हु वांट टू सेल अवे देयर प्रॉपर्टीज, दे कैन सेल नाउ, देयर इज नो प्रॉब्लम. 2 दिन में आपको न्यूज मिलेगा शायद कुछ लोगों को, एंड मनी विल कम डेफिनेटली. और फर्स्ट ऑफ
May. 1st of May, people will have to be careful for next 15 days because moon is blocked और मून का अगर हमको प्रोटेक्शन नहीं है सो देर कैन बी स्मॉल एक्सीडेंट्स कैलामिटीज या सम गड़बड़ इन द हाउस और व्हाटएवर. मन विचलित होता है बट यू हैव टू हैव फेथ. पूजा में ध्यान रखो, प्रेयर्स करिए रोज, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा गर्म खाना खाइए सो यू विल बी प्रोटेक्टेड. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. पास्ट लाइफ का कुछ अगर दोष निकालना हो, फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स. अगर हम लोग कुछ त्याग कर सकते हैं तो पास्ट का पापों का दोष का मुक्ति मिल जाती है उनसे. टेक वन त्याग जो भी आप ले सकते हैं और दान धर्म करिए. सबसे बड़ा धर्म इस कलयुग में दान करना है. सो कीप डोनेटिंग फूड टू पुअर, फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स एज मच एज यू कैन. योर हेल्थ विल बी वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम. Have a spiritual master and बच्चों का exam या project जो भी आपको करवाना है वो complete हो जाएगा. So that was our weekly predictions. और अभी हम लोग questions लेंगे. We'll try to search for Lakshman and my host who is in Delhi and I'm in Bombay doing the show. So when he'll read out the questions, I will be answering. In the meantime, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ. बाहर की सिचुएशन बहुत ही बुरी चल रही है. डू नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ द फैमिली. इफ देर आर ओल्ड पीपल इन द फैमिली, टेक केयर ऑफ देम. टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. टेक केयर ऑफ देयर इम्यूनिटी बाय गिविंग देम हॉट मील्स 3 times अ डे. एंड डू नॉट गो आउट. इन केस देर इज अ कोरोना पेशेंट इन योर हाउस, यूज होम रेमेडीज. Do pruning. Pruning is sleeping on your stomach with 2 pillows under your stomach, 1 pillow under your elbows. उसके ऊपर सर रहेगा and 2 pillows below your feet, foot, जहाँ पे end of your feet रहता है. So when you make them sleep for 35 to 45 minutes, आपका जो बाहर ventilator की search में लोग भाग रहे हैं उससे कई easily और अच्छा ventilation उनका घर में ही हो जाएगा. But keep your windows open for morning sunlight. Sunlight में बैठ के अगर लोग प्राणायाम करेंगे तो उनको इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So practice healthy habits like waking up early in the morning. अगर आप जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, सोसाइटी में कंपाउंड नहीं है, टेरेस नहीं है, तो जस्ट डू एक्सरसाइजेस इन सनलाइट इनसाइड द हाउस. And after the end of exercise, sit there and do pranayam for 5 to 10 minutes. That will give you your oxygen dose, your daily oxygen dose. So that way you can take care of your health and eat healthy food. Aapko ye bimari, koi bhi virus, ye nahi koi bhi virus nahi lagega. And keep hygiene in your house. Safai maintain kariye hamesha. So now we're going to take some questions. बेसिक हम लोग इस हफ्ते के करियर के बारे में बात करेंगे. लक्ष्मण, यू आर नॉट लॉग्ड इन. मेरा हो गया वीकली प्रेडिक्शन. ओके, सो हम लोग बेसिक जो इस हफ्ते में जनरल लोगों की हेल्थ के बारे में पता करेंगे. अभी हाउ इज द हेल्थ गोइंग टू बी ऑफ अदर जनरल पीपल अराउंड इन अवर एरिया. 15-20 days जनरली सबके लिए भारी है थोड़े. वी नीड टू, जो लास्ट ईयर शुरू हुआ था मार्च एंड अप्रैल में, सेम सिचुएशन में हम लोग आके रुक गए हैं. दिस इज आई हैव बीन टेलिंग देम इन द लास्ट ईयर अप्रैल मंथ ऑल्सो दैट इट हैड सिंपली जस्ट बर्स्ट टू मच. And I've given them astrological reasons for it. It is a month of Rahu. Rahu goes more on logic, but not spiritual. So there is no
condition. There is no understanding or there is no reasoning power behind what is happening right now. And dekha jaye to bahut hi jaldi, within a week or 10 days, kitna badh gaya hai, there is no limit to it. So this is what Rahu does. So please take care of yourself, take care of your family members and health. 15-20 din bahar mat nikalna, jo ghar pe hai usse chala lijiye. After this 15 days, everything is going to go back to normal, slowly but definitely. नॉर्मलसी में आ जाएगा और बहुत अच्छे बाकी के 8 महीने चले जाएंगे हमारे. डू नॉट टेक चांसेस इन लाइफ. हमेशा मैं सब शोज में बात बताती हूँ ये कि नॉमिनेट योर प्रॉपर्टीज, नॉमिनेट योर बैंक अकाउंट्स, लॉकर्स, जो भी आपका है. कीप योर डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ प्लेस. कीप वन कॉपी विथ योर नियर एंड डियर वन, सो दैट इन केस ऑफ एनी कैलामिटी people are safe behind you. हम लोग ने इतनी मेहनत करके जो भी चीज़ें हासिल की हैं, दे शुड नॉट गो वेस्ट. अदरवाइज आफ्टर 15 डेज इट्स अ वेरी गुड टाइम. सोशल लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा. यू कैन कम्युनिकेट ओवर द फोन, वीडियो कॉल्स, फेस टाइम एंड टॉक टू योर लव्ड वंस. सो ये रहा जनरल हेल्थ के बारे में. जनरल करियर के बारे में अगर देखें हम लोग लोगों के बारे में, इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू ओवर एक्सपेक्ट, पैसा आता जाएगा. दैट्स व्हाट आई कैन सी. ये 15 दिन या एक हफ्ता ऐसा जाएगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, बट इफ़ यू प्लान योर लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्टली ऑल राइट. हेल्थ करियर हो गया. अभी फाइनेंसिस के बारे में देख लेते हैं. People definitely, all of us want more money. Who doesn't want more money? Traveling banned hai. Do not go out of the house for next 15 days. Keep your hygiene. Take care of your relatives. If somebody is traveling, quarantine for some days. Hafta 10 din. If you take care of your finances, plan them properly, aapko problem nahi aayega. Kuch log already trap mein hai. So I would suggest them, ऑनलाइन काम करें. यूज़ योर स्किल्स टू सिट एट होम एंड वर्क एंड मेक मनी. हैव फेथ इन गॉड. इफ़ यू ट्रस्ट गॉड, वर्क हार्ड, हैव गुड इंटेंशंस इन लाइफ. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको खाना नहीं मिलता है. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ऑलवेज वॉचिंग अदर पीपल. सो वेयर फाइनेंसेस आर कंसर्न, सम ऑफ द पीपल have people who are keeping an eye on them. I have no clue what is the reason behind it, lekin hota hai logon ko ki kabhi hum log bolte hain hamare paas paisa nahi hai, to people don't believe, so that's why they keep an eye, or people want to see how you're managing in this situation. Whatever their reason is, it does not matter. You protect yourself, you protect your aura. Send them love, send them good wishes, send them forgiveness, so that you cut the cords of your karmic bondages. Aur sab log is takleefon se nikal jaye. We'll all pray for that. We'll forever pray for that. Ki is duniya mein kisi ko bhi takleef nahi ho. So always pray for that every morning. Be grateful ki hum log aaj awake hue hain, hum log aaj uth gaye hain, aur hamari tabiyat achhi hai, hum log kha pi sakte hain, hamare sar pe chhat hai, and we have clothes to wear. Forgive everybody when you're praying, so that you cut the bondages of your past life karmas. And before you sleep in the night, have lot of acceptance that whatever I'm going through, it's because of my own karmic life, good or bad. And with this acceptance, when you start living life, it will be like very cool, calm, peaceful and happy life. Okay, are you there, Lakshman? Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much.